करना है कि डेफिनेशन जो है हाउ टू लर्न द टर्म्स फॉर डेफिनेशन. क्लियर? लाइक मैं टर्म्स बच्चे आपको बोल रही हूँ, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, नंबर वन लिब्रे, एल आई वी आर ई, लिब्रे, एल आई वी आर ई. लिब्रे का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ करेंसी. यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकॉन्टिन्यू. लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यू होगी मतलब आज नहीं है ये, तो कौन से ईयर से ये डिसकॉन्टिन्यू हो गई थी? 1794. यानी कि आज जो है ये करेंसी नहीं है लिब्रे, ये डिसकॉन्टिन्यू का मतलब होता है इसको खत्म कर दिया लिब्रे. तो जब भी आप वर्ड लिब्रे पढ़ो तो इट मीन्स क्या है? ये यूनिट ऑफ करेंसी लिब्रे. देन क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च. ठीक है, ओके. अब मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आपने अपने इसको रिकॉग्नाइज कर. अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इज इट टाइड और टाइल? इज इट टाइड और टाइल? टाइड. इट इज टाइड. अब फिर से स्टेटमेंट सुनो. A tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce was called tithe, जो कि religious tax था. और किसको पे करना पड़ता था? Third estate. किसको? Church people को. ठीक है, religious tax. Next, tax to be paid directly to the government or state. Yes, tithe. Direct tax को क्या बोलते थे? Tithe. इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते. देन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर, सबसिस्टेंस क्राइसिस. क्या बोलते हैं इसको? सबसिस्टेंस क्राइसिस. जब किसी पर्सन को फूड, क्लोथ, शेल्टर भी नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है कि जीने के लिए जो तीन चीजें चाहिए उसको वो नहीं मिल रही है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस. नेक्स्ट इज कॉन्वेंट. कॉन्वेंट, सी ओ एन वी ई एन टी. आज के टाइम में आपने सुने ना कॉन्वेंट स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल्स, है ना? तो कॉन्वेंट वर्ड क्या था? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस. बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस पर्पस. यानी कि कोई भी बिल्डिंग जो रिलीजियस पर्पस के लिए होती थी, ये स्कूल भी हो सकता था, चर्च भी हो सकता था, चर्च का हॉल भी हो सकता था. क्या बोलते थे उसको? कॉन्वेंट. कॉन्वेंट का मतलब होता है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस पर्पस. नेक्स्ट इज ही वॉज द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस हु क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर इन 1804. नेपोलियन बोनापार्ट. ऐसे इसको रिकॉग्नाइज करो. ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ही वॉज अ डिक्टेटर ऑफ फ्रांस हु क्राउन्ड हिमसेल्फ इन 1804. नेक्स्ट इज ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड राइटर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉज. ही वॉज द ग्रेट फिलोसोफर एंड राइटर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज He was the ruler of France during French Revolution, Louis XVI. Okay. Then it was an executive made up of 5 members. Huh? Yeah. It was an executive made up of 5 members. Okay. Online students, may raise your hand. गवर्नमेंट को क्या बोलते थे जिसमें 5 डायरेक्टर्स थे? जुडिशियल नहीं है. राइट आंसर क्या है? गवर्नमेंट मेड अप ऑफ 5 डायरेक्टर्स. इतना इजी है. डायरेक्टरी, सो इजी. अगेन अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से रिकॉग्नाइज करो. इट वॉज एन एग्जेक्टिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स और 5 डायरेक्टर्स. That government was known as
डायरेक्टरी सिस्टम, इसको डायरेक्टरी सिस्टम बोलते थे, ये किसके बाद आया था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद, ठीक है? ओके, व्हाट यू एस्टेट क्या होता था? व्हाट वाज एस्टेट? एस्टेट वाज अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स. दिस वाज कॉल्ड एस्टेट सिस्टम. ओके, इट वाज अ फोर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस एंड वाज यूज्ड एज अ प्रिजन. It was broken on 14 July 1789 by the people of France. Palace of Bastille, ठीक है? Palace भी कह सकते, palace ही था वो. Palace of तीन palace थे. Palace of Versailles, Palace of Bastille, Palace of Tuileries. Palace of Versailles में king अपनी family के साथ रहते थे. बेस्टाइल जो था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. प्रिजन एज वेल एज क्या स्टोर किया जाता था उसमें? वेपन्स, ठीक है? एंड थर्ड पैलेस ऑफ टुलेरिस, जब किंग जो था वो शिफ्ट हो गए थे और किन्होंने उनको कैप्चर कर लिया था? किन्होंने कैप्चर किया था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जैकोबिन क्लब ने, ठीक है? देन ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड राइटर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रूसो, यस. He was a leader of the National Assembly, which was created in 1789. He wrote an influential pamphlet called "What is the Third Estate?" Wait. Online students, Sanji. Very easy. Yes, raise your hand. Riyanshika, only Riyanshika. Baki bache, Sanji. Keep your mic on. Ma'am, ABCs. ABCS, A double B E S I E Y E S. Again, I'm repeating. Very good, Riyanshika. He was a leader of the National Assembly, which was created in 1789. He wrote an pamphlet. What is the third estate? Answer is ABCS. Okay. National song or national anthem of France. ऐसे क्यों? ऑप्शन आपको याद होना चाहिए. ऑप्शन जो मर्जी हो, ये डोंट डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस. एक ही तो है पूरे चैप्टर में, हमने एक ही तो पढ़ा है. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट प्रतीक्षा. हाँ जी, यस. मार्सिलेज, मार्सिलेज. अच्छा, अब मैं आपको ये कंफ्यूज करती हूँ. इट वॉज अ नेम ऑफ अ नेशनल एंथम एज वेल एज द प्लेस. इट वॉज अ नेम ऑफ द नेशनल एंथम भी था एंड प्लेस सेम. अंतितिक्षा, यस. पहले याद करो प्लेस का नाम क्या था. मार्सिले, सबसे पहले वहां पे ये वाला सॉन्ग जो है वो गाया गया, इसीलिए इस प्लेस में इस सॉन्ग का नाम ही क्या पड़ गया? मार्सिलेज. तो इट इज अ नेम ऑफ द एंथम भी आ सकता है, या फिर which was an you can say place where first time national anthem of France was sung by the people, that is Marseille. Okay, next is a political club of the people which was formed to discuss the wrong government policies. Jacobin, very good. Jacobin, he was a political leader of Jacobin and ruled over France from 1793 to 1794. Maximilian Robespierre, he became the king of France, faced empty treasury. Louis 16, कौन से ईयर में बने थे? 1774. Okay, Bastille was stormed during his reign. Online students, फिर से ध्यान से सुनो. Bastille fort was demolished during his reign. किसके रूल में Bastille को? Louis 16th. Very good. हां जी रियांशिका, Louis 16th आंसर, ठीक है? हां जी. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ किंग. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड to limit the powers of the king
and to guarantee the basic rights to all the human beings. In which year, online students? In which year? Anji. Again, I'm repeating. Constitution was framed to limit the powers of king and to guarantee the basic rights to all the human beings. In which year? कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन बना कंट्री का फ्रांस का? ऑनलाइन बच्चे किसी ने आंसर नहीं दिया 1791. वेरी गुड. ओके नेक्स्ट इज नेपोलियन डिफीटेड एट वॉटरलू इन विच ईयर? 1815. बैटल ऑफ वॉटरलू वॉज फॉट बिटवीन हुम? किनके बीच हुई थी? एक तरफ थे नेपोलियन means फ्रांस और दूसरी तरफ फोर कंट्रीज के नेम याद रखो ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. दीज वर द विनर कंट्रीज ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है बैटल किनके बीच में हुई थी? 1815 में हुई थी. प्लेस का नाम क्या था? वॉटरलू. Who was defeated? नेपोलियन बोनापार्ट. किसी भी तरह से क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट इज इन विच ईयर फाइनली स्लेवरी वॉज एबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज? वेरी गुड. 1848. ठीक है लेकिन इससे पहले भी स्लेवरी जो है उसको अबॉलिश किया था. कब किया था? किस किस अब इसके लिए कितने नाम आपको आ सकते हैं? पहले तो याद करो ईयर कौन सा था? 1794. इस टाइम में रूलर कौन था? रिपब्लिक था. कौन था रिपब्लिक? रॉबेस्पियर जैकोबिन का जो मेन लीडर था. ठीक है एंड इसकी पार्लियामेंट कौन सी थी? नेम ऑफ द पार्लियामेंट? कन्वेंशन. फिर से याद रखो इन विच अगर तो सिंपल ये पूछा जाए ना इन विच फाइनली हमेशा के लिए स्लेवरी खत्म हुई 1848 में लेकिन सबसे पहले किंग लुई 16 के बाद स्लेवरी को कुछ देर के लिए खत्म किया गया 1794 में. रॉबेस्पियर एक कॉमन पर्सन था उसने स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया लेकिन बाद में यानी कि नेपोलियन ने उसको क्या कर दिया? री इंट्रोड्यूस और फाइनली जाकर 1848 में फिर स्लेवरी को हमेशा के लिए खत्म किया. ठीक है नेक्स्ट इज इन विच ईयर फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन विच ईयर फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट? इन विच ईयर फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट? प्रतीक्षा हां जी 1946. वेरी गुड 1946. हियर 1946. वेरी गुड हां जी. अच्छा मुझे अब आपने पार्लियामेंट का नाम बताना. इसको प्रॉपर एक ना लिस्ट में याद रखो कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के अलग अलग रूलर्स और उनकी पार्लियामेंट कौन कौन सी थी. नंबर वन लुईस 16 के टाइम में जो पॉलिटिकल बॉडी थी जिसकी वो मीटिंग उसने बुलाई थी क्या बोलते हैं उसको? एस्टेट जर्नल. बाद में इसी का नेम क्या हो गया चेंज? क्या कर दिया उसको? नेशनल असेंबली को उसने रिकॉग्निशन दे दी थी जिसने फिर कंट्री के लिए क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कंट्री का और लुई 16 के टाइम पीरियड में स्टेट जनरल कहते थे उसको. पॉलिटिकल बॉडी क्या थी? स्टेट जनरल. लुई 16 के बाद कंट्री में किसके हाथ में कमांड आई? रॉबेस्पियर यानी कि जैकोबिन्स के हाथ में. जैकोबिन्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उसका राइन ऑफ टेरर भी कहते हैं. एंड इसकी पार्लियामेंट कौन सी थी? कन्वेंशन. इसके बाद यानी कि जैकोबिन के बाद फिर कौन सा रूल आया? नहीं उसे उसके बीच में डायरेक्टरी. डायरेक्टरी का मतलब कितने डायरेक्टर्स?
फाइव डायरेक्टर्स, ये फाइव डायरेक्टर्स किसको कंट्रोल करेंगे? काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि टू हाउस, जैसे हम कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे ही जैकोबिन के बाद डायरेक्टरी सिस्टम आया। इस डायरेक्टरी सिस्टम के पांच पांच डायरेक्टर, मतलब पांच हेड हो गए कंट्री, सोचो कि पांच प्रेसिडेंट, पांच प्राइम मिनिस्टर, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय, मतलब ये इनको भी कंट्रोल करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, ये थे, ये जो सिस्टम था इसको बोलते थे डायरेक्टरी रूल। उसके बाद कौन सा सिस्टम आया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटरशिप लेकर आया, और डिक्टेटरशिप में ना पार्लियामेंट होती है और ना ही ऑपोजिशन होती है, ना ही कोई काउंसिल होती है, ठीक है? तो ऐसे आपने इसको याद रखो, ठीक है? यस, राइन ऑफ टेरर सबको याद होना चाहिए, 1793 to 1794, क्लियर? ओके, एनी वुमेन क्लब ऑफ फ्रांस एंड द इनिशिएटिव टेकन बाय हूम, किसने वुमेन क्लब का इनिशिएटिव लिया एंड अल्टीमेटली फिर उसके साथ क्या हुआ, किसके टाइम पीरियड में, याद रखो सारा। मैक्सिमम रॉबेस्पियर के टाइम पीरियड में एक वुमेन जो नेम है ओलंपे डी गॉज, क्या नाम था? ओलंपे डी गॉज, शी वॉज एग्जीक्यूटेड, उसको क्या किया, गिलोटिन किया गया। बाय शी डिमांडेड, क्या डिमांड थी उसकी? वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, एंड शी फॉर्म वुमेन क्लब, उन्होंने क्या बनाया था? वुमेन क्लब बनाया था। लेकिन जैकोबिन्स नहीं चाहते थे कि वुमेन को किसी भी तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, सो इस क्लब को क्या बोलते हैं? राइट डाउन द नेम ऑफ क्लब। यस, किसी को है नेम पता इसका? हाँ जी, वुमेन क्लब ओलंपे डी गॉज जैकोबिन के टाइम पीरियड में फेमस, वैसे तो बहुत से क्लब थे लेकिन एक फेमस वुमेन क्लब था, और जिस क्लब को बनाने के लिए ओलंपे डी गॉज को गिलोटीन कर दिया था। तो ये भी एक राइन ऑफ टेरर जो है, इसमें आप लिख सकते हो कि ओलंपे डी गॉज वॉज गिलोटीन बिकॉज जस्ट शी डिमांडेड वोटिंग राइट्स इक्वालिटी फॉर वुमेन, एंड द नेम ऑफ दिस क्लब वॉज सोसाइटी ऑफ, राइट डाउन, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, इट इज ऑन पेज नंबर 18। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पैराग्राफ एंड ओलंपे डी गॉज, शी वॉज गिलोटिन बिकॉज जस्ट शी डिमांडेड वोटिंग राइट्स, और उसने क्या किया, शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर वुमेन एंड फॉर दैट शी वॉज एग्जीक्यूटेड गिलोटिन। एंड एक फेमस क्लब जो मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है? सो रीड दिस प्रॉपर पेज, इसको प्रॉपरली रीड करो, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पार्ट। यस, हियर यू कैन से अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द ईयर 1794, दिस काइंड ऑफ इलेबोरेशंस कैन, ठीक है? सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर विल बी गिवन एंड इंफॉर्मेशन जो है दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ जी, ओके, विच क्लब अबॉलिश स्लेवरी सिस्टम इन फ्रांस? इतना तो इजी देखो है ना, पता नहीं क्या आप सोच रहे हो, अभी तो बताया मैंने, विच क्लब एबॉलिश स्लेवरी सिस्टम, अपने स्कूल का क्लब मत लिख देना, विच क्लब एबॉलिश स्लेवरी सिस्टम? जैकोबिन क्लब। विच रूलर्स एबॉलिश स्लेवरी सिस्टम? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, रिपब्लिक था। एंड व्हेन फाइनली इट वाज री जो है एबॉलिश 1848 है ना। Who was commissioner in chief of army during directory?
वेरी गुड, नेपोलियन, क्योंकि डायरेक्टरी के टाइम पीरियड में वो आर्मी का क्या था, कमांडर था, कमिश्नर इन चीफ था, तो उसने कंट्री की वीक कंडीशन का फायदा लिया एंड डायरेक्टरी के बाद ही क्राउंड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस, डिक्टेटर बन गया वो, ठीक है. ओके, विच स्लोगन बिकेम वेरी पॉपुलर बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, कौन सा स्लोगन बहुत फेमस हुआ था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी. फ्रटर्निटी के स्पेलिंग FRATERNITY, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी. लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होती है, इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू ऑल, एंड फ्रटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं ना आया तो फिर दे. ओके, जसप्रीत, हां जी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्टार्टिंग आपका फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन होगा. जसप्रीत, कीप योर माइक ऑन. माइक ही ऑन करना है ना. हैवेश, हां जी, कीप योर माइक ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कीप योर माइक ऑन. ओके, ख्याति, हाँ जी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर? 14 जुलाई 1789. ठीक है, फर्स्ट लाइन ही है ये. 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? क्राउड जो मॉब थी, लोग थे, उन्होंने बेस्टाइल को स्टॉर्म किया, डिमोलिश कर दिया, एंड दिस डेट इज रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एज फ्रेंच रेवोल्यूशन. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब लोगों ने किंग के अगेंस्ट जाके ऐसा कुछ किया हो. ठीक है, ओके, हु रोट नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस एंड व्हेन वाज इट संग फॉर द फर्स्ट टाइम? Who composed national anthem of France? Rogetti, Islay, Rogetdisle. Rogetti, Islay. When was it sung for the first time? सबसे पहले कहाँ पे इसको गाया गया? France में. France में. France तो country है. City का नाम क्या है? Paris. When soldiers march. March का मतलब होता है जब लोग march करते हैं ना. So at that time it was sung first time by the soldiers of France in Paris. Okay. What was the main objective of constitution by National Assembly? What was the main objective of constitution by National Assembly? Very good, Deepkirti. To limit the powers of king. King ki power ko limit karna. Aur king ki power ko kaise limit kiya? By dividing his powers into three parts, according to किसने suggest किया था इसको? Montesquieu ने, legislature, executive and judiciary, ठीक है? अच्छा, triangular slave trade आपने पढ़ा. Triangular slave trade में कितने continents involved थे? Three, Europe, Africa and America. Europe से दो ports आपने पढ़े थे, Bordeaux and Nantes. फ्रेंच पोर्ट्स, बॉर्डे एंड नांते, जैसे इंडिया में मुंबई पोर्ट सिटी है, ऐसे ही फ्रांस में दो पोर्ट्स थे, बॉर्डे एंड नांते. सेलर्स जो थे, फ्रेंच सेलर्स, ये कहाँ से आते थे? फ्रांस से आते थे बाय शिप, बॉर्डे एंड नांते से आते थे. कहाँ रुकते थे? कहाँ पे रुकते थे? स्टॉप कहाँ पे लगाते थे? अफ्रीका. अफ्रीका में ये किनको पकड़ कर लेकर जाते थे? निग्रो स्लेव्स, ब्लैक पीपल, उनको प्रॉपर जो है जंजीरों में बांधकर शिप में कहां पर बेचते थे? अमेरिका. तभी तो थ्री कॉन्टिनेंट्स है ना, नंबर वन यूरोप, नंबर टू अफ्रीका, नंबर थ्री अमेरिका. अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सेंटर में कैरिबियन आइलैंड्स है, वहां पे उनसे क्या करवाते थे? लेबर. कौन कौन सी कमोडिटीज? एनी टू और थ्री कमोडिटीज यू कैन राइट, कॉफी प्लांटेशन, टी कल्टिवेशन. और ये स्लेव जो थे वहां पे काम करते थे. और उसके बाद जो कमोडिटीज होती थी, उन कमोडिटीज को कहां पे बेचा जाता था? यूरोप. इसको इसलिए बोलते हैं ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड. ठीक है,
फिर से याद रखो अब इसमें कितने क्वेश्चंस हैं. नेम एनी टू पोर्ट सिटीज ऑफ फ्रांस, बॉर्डे एंड नांते. ठीक है, वेयर स्लेव्स वर कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच सेलर्स, कहां से कौन से कॉन्टिनेंट से कैप्चर किया जाता था उनको, अफ्रीका. एंड आफ्टर कैप्चरिंग द ब्लैक पीपल और निग्रोस फ्रॉम द अफ्रीका, वेयर दे वर एक्सपोर्टेड अमेरिका, वहां पे इनको चीजों की तरह खरीदा और बेचा जाता था, स्लेव. इसी को क्या बोलते थे, स्लेवरी सिस्टम. वहां पर वो काम करते थे और जो भी क्रॉप्स या जो भी कमोडिटीज वहां पे ग्रो की जाती थी उनको कहाँ पे बेचते थे, यूरोप. तो आप ये सोचो कि कितने कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व थे, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका. अब आप ये कहोगे कि मैम अब अफ्रीका से क्यों, क्योंकि अफ्रीका में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, चीप लेबर उनको मिल जाती थी, लेकिन अमेरिका में पॉपुलेशन कम थी, वहां पे लैंड बहुत ज्यादा था, तो लेबर को कहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके जाते थे, अफ्रीका टू अमेरिका. और यूरोपियन सबसे रिच थे और उनको उनके पास लैंड कम थी. यूरोप कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे लैंड कम, लेकिन अगर देखा जाए एशिया में लैंड भी ज्यादा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है. अफ्रीका में भी ऐसा है, लैंड भी ज्यादा है और लेबर. इकोनॉमिक्स में फैक्टर पढ़ते हो ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, लैंड लेबर इज रिक्वायर्ड. जिस कंट्री में जिसकी शॉर्टेज होती है फिर वहां से उसको एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है. दैट वाज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंडियन हु रिस्पोंडेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस. राजा राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान, आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है. ठीक है, टाइम इज ओवर, आई एम गोइंग टू एंड. एनी डाउट बेटा?